रूपा दिन में घर के काम करती और रात भर पढ़ाई करके सुबह थोड़ी देर आराम करती। एक दिन, रूपा, ओ रूपा, सुबह हो गई, अभी तक हमारी चाय नजर नहीं आ रही है। ये बोलकर नीलम किचन में चली जाती है। जी भाभी, आज मुझे थोड़ी देर हो गई, मैं अभी बना के आपको और भैया को चाय देती हूँ। अरे वाह, देखिए तो लाडली जी को, देर से सो के उठ रही है। ऐसा क्या कारनामा कर रही थी रात को जो इतनी देर हो गई? भाभी, मैं वो पढ़ाई कर रही थी, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं ना, इसलिए। कितनी बार कहा है ये, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें घर के काम और तौर तरीके सीखने चाहिए, उससे तुम्हारा कोई फायदा होगा। ये पढ़ लिख के क्या होगा, शादी के बाद जब अपने ससुराल जाओगी तो वहाँ भी उन्हें 24 का पहाड़ा बोल के सुनाओगी। अब से ऐसी गलती नहीं होगी भाभी, आगे से ध्यान रखूंगी। इतना सब करके नीलम अपने पति नीरज के पास जाती है। नीरज तब सो रहा होता है। सुनिए जी, उठिए, सुबह के 8 बज रहे हैं और मुझे अब तक चाय नहीं मिली। तुम्हारी लाडली बहन अब तक सो रही है। मेरे पापा ने तुम्हें इसलिए इतने सारे पैसे और दहेज का सामान दिया ताकि मेरी सुबह खराब हो सके। क्या हो गया इतनी सुबह सुबह? तुम भी सो जाओ। अरे इतना कष्ट क्यों कर रही हो, आराम करो ना, कितना सुहाना दिन है। आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं जी, मैं इतनी परेशान हूँ और आप हैं कि सो रहे हैं, आपको तो कोई परवाह ही नहीं है मेरी। अरे परवाह है जानेमन, रुको मैं अभी रूपा से बात करता हूँ और उसे समझा देता हूँ। नीरज रूपा को जोर से आवाज लगाकर बुलाता है। रूपा, ओ रूपा, यहाँ आओ। रूपा चाय और कुछ बिस्किट्स लेकर वहाँ आती है। ये लीजिए भैया, चाय और कुछ नमकीन और बिस्किट्स। नीरज चाय और बिस्किट्स देखकर पिघल जाता है और नीलम से कहता है, ये लो भाग्यवान, तुम्हारी चाय भी आ गई, अब से रूपा कोई गलती नहीं करेगी। ठीक है ठीक है, चलो माफ किया। कुछ ही देर बाद नीरज और रूपा की माँ वहाँ आ जाती हैं। अरे रूपा बेटा, ओ रूपा बेटा। आई माँ, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ मेरी बच्ची, तू बता कैसी है? दुबली हो गई है, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? अब तुम आ गई हो ना माँ, मैं फिर से तंदुरुस्त हो जाऊंगी। ये लो किताब जो तुमने मंगवाई थी, ये तुम्हें सरकारी इम्तिहान सफल करने में मदद करेगी और तुम जरूर अव्वल आओगी। धन्यवाद माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। मैं तो अच्छी ही हूँ, लेकिन ये नालायक नीरज कहाँ है? इसने कोई काम धंधा पकड़ा या अभी भी निकम्मा ही है? नीरज को ढूंढते हुए माँ जी उसके कमरे में चली जाती है, जहाँ दोनों पति पत्नी दोपहर की नींद ले रहे थे। और तब उन्हें सोता देख माँ जी जोर से म्यूजिक प्लेयर में गाने चलाने लगती है। जोर का म्यूजिक सुनकर दोनों पति पत्नी की नींद खुल जाती है। कौन है ये बच्चलन जिसने मेरी नींद खराब की? नीलम की आंखें खुलने पर वो देखती है कि माँ जी उसके सामने खड़ी है। अरे माँ जी आप, सॉरी मैं आपको पहचान नहीं पाई। पहचान तो मैं भी नहीं पाई बहू तुम्हें, जब हम तुम्हारे घर रिश्ता लेकर गए थे तब तो तुम एकदम भोली और सुशील नजर आ रही थी। पता नहीं कब जाएगी ये, जब तक नहीं जाएगी तब तक मेरा जीना दुश्वार कर देगी ये तो। और तू नालायक अभी तक सो रहा है, कुछ काम धंधा कर ले, कब तक परिवार का नाम डुबाएगा? अरे मेहनत करके किसी का भला हुआ है क्या कभी, जो मेरा हो जाएगा। रूपा को ही देख लो, दिन भर मेहनत करती है फिर भी सुबह चाय ही बना रही है ना। वो तो बेटा तुम्हें कुछ समय बाद पता चलेगा मेहनत से क्या होता है और क्या नहीं। जल्दी आना माँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। घबरा मत मेरी बच्ची, तू बड़ी अफसर बन जाए इसीलिए मैं ये यात्रा कर रही हूँ, भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। इतना कहकर माँ जी ने रूपा और परिवार से विदा ली। माँ जी के जाने के बाद नीलम फिर से रूपा से घर के काम करवा कर ताने मारने लगी। एक दिन जब रूपा घर पर झाड़ू लगा रही थी
तब रूपा की एक सहेली घर पर एक चिट्ठी लेकर आ गई। रूपा, तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? ये देखो, तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। बोलो ना क्या हुआ, और ये कैसी चिट्ठी है? कॉलेज में जो दौड़ प्रतियोगिता हुई थी उसमें मैं और तुम सेलेक्ट हुए हैं, और हमें सरकार से चिट्ठी आई है कि हम पुलिस भर्ती की दौड़ में हिस्सा लेकर पुलिस बन सकते हैं। क्या सच? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अगर ये बात सच है तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। नीलम ने कोमल और रूपा को बात करते देख उनके पास जा पहुंची। अरे वाह, दोनों बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है। और ये रूपा के हाथ में चिट्ठी कैसी? जरूर तुम्हारे किसी चाहने वाले ने ये चिट्ठी दी है, इसीलिए तुम्हारा घर के कामों में मन नहीं लगता और सुबह देर से उठती हो। भाभी, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। ये चिट्ठी मुझे सरकार की तरफ से आई है, पुलिस विभाग में भर्ती निकली है, मैं भी हिस्सा लेना चाहती हूँ और एक काबिल पुलिस वाली बनकर दुनिया की सेवा करना चाहती हूँ। तू और पुलिस, ये तो वही बात हो गई। एक गधे ने डूबती गांव को पानी से बाहर निकाल दिया। नीलम की बात सुनकर रूपा निराश हो जाती है और कोमल को लेकर घर की छत पर चली जाती है। तू निराश मत हो रूपा, मुझे पूरा यकीन है तू पुलिस वाली जरूर बनेगी। थैंक यू कोमल, एक तू ही है जो मुझे इतना सपोर्ट करती है। धीरे धीरे पुलिस भर्ती का समय नजदीक आ रहा था और रूपा घर के काम पर कम ध्यान देकर अपनी पुलिस भर्ती की तैयारी पूरे जोर शोर से कर रही थी। एक दिन नीलम की दाल में नमक कम होने की वजह से नीलम ने पूरा घर सिर पर उठा लिया। रूपा, अरे रूपा की बच्ची, कहाँ है तू? दाल में इतना ज्यादा नमक डाल रखा है, तू मुझे ज्यादा नमक देकर मारना चाहती है क्या? भाभी, मुझे माफ कीजिएगा, शायद मेरा ध्यान नहीं था, सॉरी भाभी। तेरे सॉरी से क्या होगा, मेरा मूड तो खराब हो गया ना। आने दे तेरे भैया को, तेरा घर से बाहर निकलना ही बंद करवाती हूँ। तू कोई भर्ती वाला एग्जाम देने नहीं जाएगी, अब तू घर पे ही रहेगी। नीलम ने रूपा को एक कमरे में बंद कर दिया। रूपा पूरे दिन रोते रही। दो दिन बाद ही उसका पुलिस एग्जाम था जिसके लिए उसने पूरी तैयारी की थी। मुझे ही कुछ करना होगा वरना मैं सारी जिंदगी इसी घर में रह जाऊंगी। रूपा ने आओ देखा ना ताओ और घर की खिड़की से वो भाग गई। जब सुबह उठने पर नीलम को चाय नहीं मिली तब सुबह हो गई और अब तक रूपा ने चाय नहीं बनाई है। अरे हाँ, उसे तो मैंने ही कमरे में बंद कर रखा है। कमरा खोल कर देखने पर नीलम को पता चलता है कि रूपा घर से भाग चुकी है। नीलम नीरज के पास जाकर सारी बातें बताती है और कहती है, ये तो भाग गई। रूपा के इतने चाहने वाले थे, कहीं किसी से भागकर शादी तो नहीं कर ली। मुझे सब पता है, कुछ दिन के बाद अक्ल ठिकाने आ जाएगी और खुद ब खुद घर वापस आ जाएगी। नीरज और नीलम कुछ महीने इंतजार करने के बाद फैसला लेते हैं कि जाकर पुलिस कंप्लेंट करें। हमें पुलिस कंप्लेंट करनी होगी, शायद रूपा मिल जाए। मेरा मन तो नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो तो चलते हैं। नीलम और नीरज दोनों पुलिस कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर दोनों हक्के बक्के हो जाते हैं। वहां देखते हैं कि उस पुलिस स्टेशन की इंचार्ज रूपा ही है। रूपा, तुम यहाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये मैं क्या देख रही हूँ? पीछे से माजी की आवाज आती है, मैंने पहले ही कहा था मेहनत करो। नीलम और नीरज दोनों रूपा को देखकर उससे माफी मांगते हैं और रूपा से घर वापस आने की रिक्वेस्ट करते हैं। जरूर चलेंगे भैया, लेकिन इस बार भाभी को अपने हाथ की चाय पिलानी होगी।